हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? सो डिटरमिनेंट के आज के डाउट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डाउट सेशन। ओके, सो सी यहाँ पे जो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो एक्सरसाइज 4 के भी दो तीन क्वेश्चंस हैं जो इसमें हैं, बट ओवरऑल दिस क्वेश्चंस आर बेसिकली डिपेंड ऑन प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज का मैक्सिमम यूज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। सो डेफिनेटली ये सम्स आप अब आराम से कर सकते हो, अगर तो आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दो तो, फोकस करो तो। हाँ, कुछ सम्स उसमें से ट्रिकी भी हैं, तो हमें काम करते हैं वो सारे के सारे जो भी सम्स हैं ट्रिकी वो भी एक बार हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद आप उसे अपने आप भी सॉल्व कर सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जो डाउट शीट मैंने आपको दी है, होमवर्क शीट मैंने आपको दी है, उसका क्वेश्चन नंबर 5। तो उसका LHS पार्ट है साइन अल्फा फर्स्ट कॉलम, साइन बीटा साइन गामा, देन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, देन कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कॉस बीटा प्लस डेल्टा कॉस गामा प्लस डेल्टा। और हमें LHS की वैल्यू क्या लानी है? जीरो लाना है। हमें LHS की वैल्यू यहां पे जीरो लानी है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, मैं इसको यूं लिख सकता हूं, फर्स्ट कॉलम हमारा एज इट इज साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, सेकंड कॉलम हमारा एज इट इज कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और जो थर्ड कॉलम है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, वहां पे मैं कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। सो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, देन कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, देन कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक है, ओके। अब क्या करोगे आप? तो देखो, अब एक यहां पे कॉन्सेप्ट ये समझने की कोशिश करो कि अगर जो मैं फर्स्ट कॉलम को माइनस साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड करता हूं, तो थर्ड कॉलम में यहां पे मुझे मिलेगा माइनस, यहां पे साइन अल्फा साइन डेल्टा वाला टर्म कैंसिल होता हुआ मिलेगा। ठीक है, आप एक बार लिख लो मैं जो कह रहा हूं, आपको समझ में आएगा। इसे आपने, सॉरी, यहां पे माइनस की साइन है ना, तो इसे आपने प्लस साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई किया, और जो सेकंड कॉलम है वो कॉस अल्फा है कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो उसके साथ यहां पे आप कॉस डेल्टा अगर जो मल्टीप्लाई करके माइनस कॉस डेल्टा मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और इसको आप प्लस साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम में ऐड करोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल थर्ड कॉलम पूरी जीरो हो गई। ठीक है, फिर से एक बार, थर्ड कॉलम यहां पे पूरी जीरो हो जाएगी। सो अप्लाई ऑन थर्ड कॉलम, क्या कर रहे हो थर्ड कॉलम में आप? तो फर्स्ट कॉलम को प्लस साइन डेल्टा से मल्टीप्लाई किया और थर्ड कॉलम में ऐड कर दिया, एंड सेकंड कॉलम को माइनस कॉस डेल्टा से मल्टीप्लाई किया एंड फर्स्ट थर्ड कॉलम में ऐड कर दिया। ठीक है, सो आफ्टर डूइंग दिस विल गेट, सी ये साइन अल्फा ये साइन बीटा इट इज साइन गामा, यहां पे ये कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, हियर वी हैव जीरो जीरो जीरो। सो दिस होल टर्म इज गोइंग टू बी the whole determinant is going to be zero because third column यहाँ पे zero है ना, तो ये तो हमने पहले भी discuss किया हुआ है कि कोई भी row या कोई भी column अगर तो zero है तो straight forward उस determinant की value zero ही होगी। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए next sum की ओर। question number 7,
ओके क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डिटरमिनेंट दिया हुआ है एक्स प्लस वाई 5x + 4y 10x + 8y। क्वेश्चन नंबर 7 और उसका LHS पार्ट। सो यहां पे हमें दिया हुआ है फर्स्ट कॉलम में x प्लस वाई देन 5x + 4y देन 10x + 8y सेकंड कॉलम में x 4x 8x थर्ड कॉलम में x 2x 3x एंड राइट साइड हमें क्या लाना है RHS में। सो RHS में हमें लाना है x³। ठीक है सो हो जाएगा नो इश्यू। देखो सेकंड देखो आप यहां पे भी यही सोच आपको लानी है कि मैं जीरोज लाने की कोशिश करूं। मैक्सिमम जीरोज आएंगे तो आपका काम आसान होगा, वो भी एक रो या एक कॉलम में आएंगे तो और ज्यादा आसान होगा। तो देखो मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि मैं जो फर्स्ट रो है इसको -4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दूं, सेकंड रो में ऐड कर दूं तो ये टर्म मेरा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जो फर्स्ट रो है या फिर सॉरी ये क्यों इसे जीरो लाओ ना ज्यादा आसान रहेगा। तो फर्स्ट कॉलम को -2 से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड करोगे सो दिस टर्म इज गोइंग टू बी जीरो एंड फर्स्ट टर्म को आप -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड कॉलम थर्ड रो में ऐड करोगे, फर्स्ट रो को -3 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में ऐड करोगे तो यहां जीरो मिल जाएगा। ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पे जीरो ला सकते हो। सो अप्लाई ऑन सेकंड रो अप्लाई ऑन R2 that R2 -2 R1 and R3 पर हम क्या करेंगे सो R3 पे भी सेम R3 -3 R1 है ना। सो देखो क्या मिल रहा है यहां पे। चलिए LHS parties देखिए फर्स्ट रो हमारी एज इट इज है x प्लस वाई एक्स एक्स बट सेकंड रो में क्या होगा तो आपने इसे -2 से मल्टीप्लाई करके यहां ऐड किया है सो 5 - 2 = 3x एंड 4y - 2y = 2y हियर वी गेट 4x - 2x = 2x हियर वी गेट 0 ओके देन हियर वी गेट एक्स है यहाँ पे 10x है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करो तो 7 या सो 10 - 3 = 7x 8 - 3 = 5y हियर वी गेट 8x - 3x सो 5x एंड हियर वी गेट 0। ठीक है सो नाउ यू एक्सपांड अलोंग R1 सो x प्लस वाई इंटू एक्सपांशन करने पर क्या होगा देखिए x प्लस वाई इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x (0, 0) -5x (0, 0) सो दैट इज 0 -x (3x + 2y) = 0 -7x + 5y (0) = 0 +x (cross multiplication) सो 3x + 2y (5x) सो 5 × 3 = 15x² +10xy -7x + 5y (10x) 7 × 14x -5 × 10xy ओके सो 10xy कैंसल ये टर्म सो जीरो ही है सो 15x² -14x² इज x² x² इज x³ एंड दैट इज अवर RHS। ठीक है ये हो गया यहाँ पे सब कंप्लीट। नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 8 ओके चलिए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं।